वारदात को अंजाम देते थे और किस तरीके से इनकी गिरफ्तारी की गई। बीती रात थानाशाही क्षेत्र में क्राइम ब्रांच की टीम और थानाशाही टीम की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें दो शातिर बदमाश विपुल और जगपाल जो कि शाहजहांपुर के रहने वाले थे, वो दोनों के पैर में गोली लगी और घायल हुए और एक बदमाश और दिनेश ये मौके से पकड़ा गया। ये बदमाश वही थे जिन्होंने 15 जुलाई को थानाशाही क्षेत्र में मिर्ज़ापुर गाँव में एक स्वर्ण व्यवसायी के साथ फायरिंग करके लूट की घटना को अंजाम दिया था। इनसे पूछताछ और इनकी निशानदेही पे दो और लोग गिरफ्तार हुए जिनके नाम नन्हे और छत्रपाल हैं, जो थाना मीरगंज क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनसे लूट का जो माल था उसमें 8.5 किलो चांदी लगभग और लगभग 11 तोले सोने के आभूषण, 2 लाख रुपए नगद, घटना में प्रयुक्त अपाचे मोटरसाइकिल और 3 तमंचे और कारतूस इनके पास से बरामद हुए। इन्होंने 15 जुलाई को एक दुस्साहसिक घटना को अंजाम दिया था जिसमें पूर्व में रेकी करके इन्होंने स्वर्ण व्यवसायी पर फायरिंग करके उनके साथ लूटपाट की घटना को अंजाम देके वहां से फरार हुए थे। तो इस तरह से 3 बदमाश जिन्होंने घटना कारित की थी, उसके अलावा इस पूरे प्लानिंग में सम्मिलित 2 अन्य आरोपी नन्हे और छत्रपाल, इनको गिरफ्तार किया गया है। एक इसमें अपराधी जिन्होंने जो कि साजिश में शामिल था और जिसके यहाँ घटना करने के बाद ये अपराधी रुके थे, वो अभी फरार है। जल्दी उससे उसकी गिरफ्तारी और उससे और माल की बरामदगी हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। इस सराहनीय कार्य के लिए पुलिस टीम को प्रशस्ति पत्र तथा नगद पुरस्कार से प्रोत्साहित किया जा रहा है। जो तीनों बदमाश जिन्होंने लूट की घटना को वहाँ पे मौके पे अंजाम दिया था, दिनेश, विपुल और जगपाल, इन तीनों का व्यापक आपराधिक इतिहास है। इनके ऊपर हत्या, चोरी, गैंगस्टर, लूट, हत्या के प्रयास इत्यादि अनेकों मुकदमे जो हैं वो इनके ऊपर हैं। इनकी बड़ी क्रिमिनल हिस्ट्री है और आगे भी इनके ऊपर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। और देखिए, इनका जो आपराधिक इतिहास और हम लोग खंगाल रहे हैं, इसमें दिखाते हैं कि क्या ये यूपी से बाहर भी कहीं इन्होंने इस तरह की घटना कारित की गई कि नहीं। अभी इसमें विवेचना के दौरान अन्य चीज़ों को भी हम लोग छानबीन करेंगे। इसमें